भाई आप लोग देखो क्या लिखा हुआ, क्लेम्ड बाय मर्लिन फ्यूगा एग्रीगेशन। ये जो क्लेम है ये बिल्कुल फेक है। और ये भाई मेरे एक वीडियो पे आया, जैसे मैंने एक डिस्ट्रैक्ट बनाया था खात्मा थारा भाई जोगिंदर पे, भाई उस पर मेरे को भाई ये क्लेम आया है और ये भाई बिल्कुल फेक क्लेम है। अब भाई ऐसे लोग बोलोगे कि भाई यार ये चीज़ भाई आप स्टार्टिंग में क्यों बता रहे हो। भाई ये चीज़ मैं स्टार्टिंग में इसलिए बता रहा, कि भाई अगर मैं स्टार्टिंग में नहीं बताऊँगा तो आप वीडियो को स्किप करोगे। अगर वीडियो को स्किप करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप भाई रियली चाहते हो कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, भाई वीडियो में तक बने रहना और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। चलो भाई अपन शुरू से बात करते हैं। भाई कॉपीराइट क्लेम क्या होता है? अगर भाई किसी भी आदमी को ऐसा लगता है कि आप उसकी वीडियो को कॉपी कर रहे हो या फिर आप उसके साउंड को उठा रहे हो, उसके म्यूजिक को यूज़ कर रहे हो, भाई वो क्या कर सकता है? वो आपके वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम दे सकता है या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है। तो आप सभी को मालूम ही होगा कि अगर आपके चैनल पे 3 एक्टिव कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है 90 दिन के अंदर अंदर, तो आपको जो चैनल है वो टर्मिनेट हो जाता है, मतलब हट जाता है। पर जो क्लेम रहता है उससे भाई अभी चैनल को अफेक्ट नहीं पड़ता, पर जो वीडियो है ना उस पर आप मोनेटाइजेशन ऑन नहीं कर सकते। अब भाई दिक्कत क्या आ रही है कि भाई आज के टाइम पे बहुत सारे लोग को भाई फेक कॉपीराइट क्लेम मिलते जा रहे हैं। भाई ऐसा क्यों होता है? अगर भाई कोई देखता है ना कि भाई कोई आदमी ग्रो हो रहा है, उसकी वीडियो पे व्यूज़ आ रहे हैं, भाई ऐसे आदमी तो आपको मिलेंगे। तो पहली बात तो ये सुनो कि भाई ये बात का आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि भाई टेंशन लेने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि भाई स्टार्टिंग में भाई सब लोग आपको परेशान करेंगे, आपको फालतू के क्लेम देंगे, वो देंगे, तो आप लोग क्या होगा कि भाई आप लोग से उनसे डर के वीडियो को डिलीट कर लोगे। पर भाई वीडियो को डिलीट बिल्कुल भी मत करना, भाई वीडियो को डिलीट करना नहीं। अगर वीडियो को डिलीट कर दिया ना तो आगे जाके आपको और परेशान करेगा। और ऐसे आप भाई कितनी वीडियो डिलीट करोगे? वीडियो डिलीट करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि आपने भाई किसी की भी वीडियो को कॉपी नहीं करा, किसी का आपने म्यूजिक नहीं उठाया, तो आपने भाई सब कुछ फ्री फॉर यूज़ वाला आपने म्यूजिक यूज़ करा है जो भाई कॉपीराइट फ्री है, फिर भी आपको कोई कैसे कॉपीराइट दे सकता है? तो पहली बात तो डिलीट मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। अब भाई जब आप जाओगे तो कॉपीराइट क्लेम पर क्लिक करोगे, अब आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, म्यूट सॉन्ग, रिप्लेस सॉन्ग, और जो तीसरा मिलेगा वो है डिस्प्यूट। तो अगर आप म्यूट सॉन्ग कर दोगे तो क्या हो जाएगा? तो क्या रहेगा भाई, आपकी वीडियो बिगड़ जाएगी। अगर आपने भाई कोई सॉन्ग बनाया, कोई वीडियो बनाई है, तो देखो अगर कोई आप सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हो तो दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि म्यूजिक हट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेन चीज़ आपका कि जो आप बोल रहे हो वो मेन चीज़ है। अगर आपने कोई सॉन्ग बनाया और उससे अगर भाई म्यूजिक हट गया ना तो भाई सॉन्ग की पूरी जान चली जाएगी। तो भाई वैसे ही मेरे साथ हुआ है, मेरे को एक भाई मैंने खात्मा सॉन्ग बनाया था थारा भाई जोगिंदर पे, उस पर भाई मेरे को फालतू का कॉपीराइट क्लेम आया। अब भाई बहुत सारे लोग को अलग अलग नेम से आता है, कोई को भाई, मेरे को भाई मर्लिन फ्यूगा एग्रीगेशन से आया, आपको भी शायद इस आदमी ने दिया हुआ है, बहुत सारे लोग को देता है। तो भाई कॉपीराइट क्लेम है तो आपको क्या करना है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके लिए आपको डिस्प्यूट करना पड़ेगा। अब डिस्प्यूट में क्या रहता है भाई? डिस्प्यूट में ये रहता है अपन भाई एक जो मैसेज है वो भाई अपन उस आदमी को भेज सकते हैं जिसने अपन को कॉपीराइट दिया है। तो अब वो आदमी करेगा, वो आपके मैसेज को रिव्यू करेगा और उससे अगर ऐसा लगता है तो फिर वो क्या करेगा, क्लेम दिया है उसे वो रिमूव कर देगा। तो आप सभी लोग को डिस्प्यूट कैसे करना है वो मैं आप सभी लोग को बता देता हूँ। तो मैं आप सभी लोग को पहले क्लेम दिखा देता हूँ। तो देखो यार, ये मेरे को क्लेम आया जिसे मेरे को कोई मर्लिन फ्यूगा एग्रीगेशन ने दिया है। अब इसे कैसे हटाना है वो मैं आप सभी लोग को बता देता हूँ। तो पहले भाई बैक आ जाओ, फिर भाई आपको क्या करना है, आपको क्रोम को ओपन कर लेना है। फिर भाई क्रोम को ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है भाई studio.youtube.com। अब ऐसा सर्च करोगे तो भाई इस टाइप का ओपन हो जाएगा। फिर आपको 3 डॉट पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देना है, आपको थोड़ा सा वेट करना है फिर ओपन हो जाएगा। फिर आपको नीचे देखिए चैनल कॉन्टेंट, उस पर क्लिक करो, फिर यहाँ पे आपकी जो वीडियोस हैं वो भाई आ जाएंगी। फिर आपको क्या करना है, जिस भी वीडियो पे आपको कॉपीराइट क्लेम आया है ना उस पर आ जाओ। आप यहाँ पे दिख रहा होगा मोनेटाइजेशन इन एलिजिबल, फिर आपको रिस्ट्रिक्शन पे क्लिक करना है कॉपीराइट क्लेम वाले पे। देखो भाई ये मैंने वीडियो अपलोड करी थी, तो यहाँ पे आपको कॉपीराइट क्लेम पे सिंपली क्लिक कर देना। फिर आपको यहाँ पे देखा सी डिटेल्स, इस पर क्लिक करो। फिर देखो यार यहाँ पे आपको पूरी देख रहे होगी कॉपीराइट समरी एंड स्टेटस। तो आपको यहाँ पे भाई सब कुछ जिसने दिया है आपको सब कुछ यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो भाई देखो यार मेरे को जिसने दिया है उसका नाम आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा मर्लिन फ्यूगा एग्रीगेशन, इस भाई ने मेरे को दिया है। फिर भाई थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा सिलेक्ट एक्शन, आपको भाई इस पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखेंगे, रिप्लेस सॉन्ग, म्यूट सॉन्ग और डिस्प्यूट। तो आपको भाई रिप्लेस सॉन्ग पे अगर आपको रिप्लेस करना है तो रिप्लेस कर सकते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अगर आप भाई म्यूट करना चाहो तो म्यूट भी कर सकते हो, पर भाई अपन को क्या करना है, अपन को डिस्प्यूट करना है, तो अपन डिस्प्यूट पे क्लिक करते हैं। तो आपको कुछ इस टाइप का शो हो रहा होगा। भाई मैं स्क्रीन को सीधा कर लेता हूँ, मेरे को इस टाइप में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, पर 3 ऑप्शन किसी काम के नहीं है। तो आपको भाई क्या करना है, क्योंकि अपन ने भाई कॉपीराइट फ्री म्यूजिक यूज़ करा ना, तो अपन को क्या करना है भाई, यहाँ पे टिक पे क्लिक कर दो। अब भाई आपका शायद आपको वीडियो की वजह से मिला है, फिर
म्यूज़िक के साथ भाई, पर ज़्यादा लोग को म्यूज़िक की वजह से मिलता है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना और ऑप्शन दिखेंगे, पर जो भाई सेकंड ऑप्शन लाइसेंस उस पर क्लिक करना है, क्योंकि भाई कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक एक लाइसेंस ही तो कहलाएगा ना, क्रिएटिव कॉमन भाई एक लाइसेंस ही है। पर अगर आपने भाई म्यूज़िक भी आप खुद का तो ओरिजिनल कॉन्टेंट पर क्लिक करना। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ रहा होगा कि भाई लाइसेंस में ऐसा भी होता है कि वो कुछ कंट्री तक एप्लीकेबल रहता है, बहुत कुछ यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा होगा, पर अपन को इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। अपन यहाँ पे टिक लगा दो और नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। भाई लेना देना है, अगर आप रीड करना चाहो तो आप रीड कर सकते हो भाई, ऐसा नहीं लेना देना है। क्योंकि भाई अपन भाई जब कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक यूज़ करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, बहुत ही कम म्यूज़िक रहते हैं जिनमें भाई ऐसा हो कि कुछ ही कंट्री के यूज़ कर पाए, ज़्यादातर भाई सभी कंट्री के यूज़ करते हैं। तो देखो यार आपको इस टाइप का शो होगा, तो आपको राइट साइड में तीन पॉइंट दिखेंगे, आपको इन तीन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे टाइप करना है। अब क्या टाइप करना है, आपको यहाँ पे ये टाइप करना है कि भाई ये जो साउंड मैंने यूज़ कर रही है भाई बिल्कुल कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक है, और आपको उस साउंड की भाई लिंक भी दे देनी है। यूट्यूब पर आपने जैसे डाउनलोड करा था ना, उसकी लिंक भी आपको दे देनी है, और वो जो चैनल है ना जो भाई ये साउंड को प्रोवाइड करता है, अब उस चैनल की भी लिंक देनी है। बतानी कि भाई मैंने यहाँ से डाउनलोड करा था, अब यहाँ पे लिंक भी देना है कि भाई देखो इस साउंड में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई कुछ ही कुछ कंट्री में हो सके। भाई मैं हिंदी में बता रहा हूँ, पर आपको इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। अगर आप नहीं लिख पाओ तो आप कमेंट करके बताना भाई, आपको मैं भाई पूरा लिखा हुआ बता दूंगा, वरना आप चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, ठीक है। आपको पूरा भाई एक्सप्लेन करना है भाई, सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद आपको आखिरी में लिखना है, ये लिख देना कि शायद भाई आपसे कोई गलती हो गई होगी, आपने गलती से क्लेम दे दिया होगा, तो प्लीज़ यार इसे भाई रिमूव कर दो, ठीक है। फिर इसके बाद आप जब नीचे आओगे ना, आपको भाई यहाँ पे तीन देखेंगे ना पॉइंट, आपको इन तीनों पॉइंट में टिक लगा देना है। फिर आपको भाई नीचे अपना सिग्नेचर कर देना है, मतलब आपको जो नेम है ना आपको सिंपल से टाइप कर देना है। और याद रहे भाई चैनल का नेम मत लिखना, आपको जो रियल नेम है सरनेम के साथ उसे भाई टाइप कर देना। और भाई ये सब करने के बाद आपको कुछ नहीं यार, सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे अपन कर देते हैं, सबमिट पे क्लिक कर दिया, अब देखो भाई ये जो है ये सबमिट हो चुका है। अब भाई जिसने मेरे को कॉपीराइट क्लेम दिया है ना, अभी उस तक पहुँचेगा, अब भाई वो उसे रिव्यू करेगा, उसे रीड करेगा, और उसे लगता है कि भाई मैं सही कह रहा हूँ तो वो रिमूव कर देगा। पर भाई ये सही नहीं है यार, भाई ये जो चीज़ है ना ये भाई यूट्यूब तक भी पहुँचनी चाहिए। भाई कैसे मान लें कि भाई वो सही आदमी है जिसने क्लेम दिया है, भाई क्या पता भाई कोई फालतू में क्लेम दे रहा है। अगर आप देखोगे तब जो वीडियो की मोनेटाइजेशन है वो भाई ऑन हो जाएगी। और भाई मेरे हिसाब से ये रहेगा कि अगर भाई मोनेटाइजेशन ऑन हो गई है तो मेरे हिसाब से जब तक भाई वो रिव्यू नहीं कर लेता तब तक भाई अपन को भाई थोड़ा बहुत मनी तो मिलेगा, या तो भाई क्या हो सकता है कि आधा आधा मिले या फिर भाई पूरा अपन को ही मिले। तो देखो इसमें लिखा हुआ था कि 30 दिन तक आपको वेट करना पड़ेगा, मतलब भाई वो 30 दिन के अंदर अंदर आपको रिप्लाई कर देगा। अब देखते हैं भाई वो कब तक करता है। पर भाई एक प्रॉब्लम तो अपने सॉल्व हो गई कि भाई अपनी जो मोनेटाइजेशन है वो भाई ऑन हो गई है। अब मुझे जितना भी पता था वो मैंने आप सभी लोगों को बताया, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो भाई मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछना। सभी को समझ में आ गया होगा कि आप कैसे एक फेक कॉपीराइट क्लेम को रिमूव कर सकते हो। अब भाई दिक्कत क्या है कि भाई जो यूट्यूब है ना, भाई यूट्यूब की भी गलती है। अब भाई ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये जो मर्जिन फ्यूगा एग्रीगेशन है, भाई सर्च में देख लो, यूट्यूब पे देख लो, इस आदमी का कोई चैनल तक नहीं है, तो भाई मैं कैसे मान लूँ कि भाई इस आदमी का सॉन्ग है? इसके क्या प्रूफ है भाई कि ये इसका सॉन्ग है जिसने भाई कॉपीराइट दिया? तो भाई यूट्यूब ऐसे कैसे हर किसी को यार कॉपीराइट क्लेम कैसे देने दे सकता है? भाई कोई आदमी 2-3 दिन भाई मेहनत करे, वीडियो बनाए और जब आपको सो जाओ, सुबह उठे तो भाई देखे व्यू तो बढ़े नहीं पर एक कॉपीराइट क्लेम और आ गया, तो भाई उससे वो मोटिवेट होगा या डीमोटिवेट होगा? यूट्यूब वालों ने ये तो देख लिया कि भाई डिसलाइक का ऑप्शन रिमूव कर दे कि भाई आदमी डीमोटिवेट होता है, पर ये नहीं देखा कि भाई जो फालतू कॉपीराइट क्लेम आ रहे हैं, स्ट्राइक आ रहे हैं, भाई इससे आदमी डीमोटिवेट नहीं होता क्या? भाई डीमोटिवेट क्या भाई, ऐसी चीज़ों से लोग तो भाई चैनल तक को छोड़ देते हैं भाई सिर्फ इन लोगों की वजह से। भाई कोई आदमी 2-3 दिन तक मेहनत करके वीडियो बनाए और कोई आदमी भाई ऐसे उसकी मेहनत पर पानी फेर दे, तो भाई यार यूट्यूब को इस चीज़ में कुछ करना चाहिए यार, ऐसे कैसे दे सकता भाई यूट्यूब? भाई बिना किसी प्रूफ के ऐसे क्यों देने देता भाई किसी को? देखो यार ऐसे करके आप भाई डिस्प्यूट कर सकते हो और आप सभी लोग को भाई लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर भाई आप भाई म्यूट कर दोगे, रिप्लेस कर दोगे तो उससे भाई उन तो हट जाएगा पर भाई आप हार जाओगे। भाई जो ऐसे लोग हैं ना उन लोग को और मजा आएगा कि भाई ये लोग तो डर जाते हैं तो अपन और करेंगे भाई, आपको और परेशान करेंगे, तो भाई हार मत मानो, डिस्प्यूट करो। भाई मुझे यही उम्मीद है कि आप सभी लोग का जो कॉपीराइट क्लेम है वो हट गया होगा, क्योंकि भाई एक फेक कॉपीराइट क्लेम है ये तो भाई हटना ही चाहिए, और तब भी ना हटे एक काम करो तो स्क्रीनशॉट लो और भाई हेल्प पे जाके यूट्यूब को अपने पूरी भाई प्रॉब्लम को समझाओ। अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप भाई मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, वरना आप मेरे को इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो। भाई आप लोग मुझे सजेशन भी दे दिया करो कि मैं अगली वीडियो के शॉर्ट पे बनाऊँ। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। चलिए आप मिलते हैं किसी और वीडियो में।